लेकिन राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर ट्वीट करते हुए कहा और लिखा है, रक्षात्मक क्यों हो गए मोदी जी, क्या आपको आत्मग्लानी महसूस हो रही है? राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, चौकीदार मुहिम पर राहुल गांधी का यह ट्वीट निशाना साधने के लिए राहुल गांधी ने लिखा, रक्षात्मक मिस्टर मोदी, आप आज कुछ आत्मग्लानी महसूस कर रहे हैं? यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसान को दिन के 3.5 रुपए दिए और बीजेपी के सब एमपी ने 5 मिनट उनकी ओर देखकर ताली बजाई। शर्म आनी चाहिए आपको। तो आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो चोर को, और हिंदुस्तान के किसानों को आप 3.5 रुपए देते हो दिन का। शर्म आनी चाहिए आपको, और उसके ऊपर बेवकूफ बनाने के लिए आप ताली बजाते हो। चौकीदार ये, और पूरा देश जानता है। अब देखिए, चौकीदार ने बैंक, हिंदुस्तान के बैंक को नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी के हवाले कर दिया। अच्छा भैया, एक बात समझ नहीं आ रही, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी मोदी के, मोदी कैसे हैं? ये सब चोरों के नाम मोदी मोदी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देहरादून में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने पुलवामा हमले के दौरान शूटिंग करवाते रहे, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। पुलवामा में सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हुए, आज मैं उनसे, उनके परिवारों से मिलने जा रहा हूं, और जैसे ही पुलवामा ब्लास्ट हुआ, एकदम हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे दम के साथ सरकार के साथ और देश के साथ खड़ी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, अपने सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर बना रहे थे 3.5 घंटे। इंटरनेट पे जाके आप उनके पोज देख लीजिए, मुस्कुराते हुए, कभी आसमान की ओर, कभी यूं खड़े हैं, कभी यूं खड़े हैं। साढ़े तीन घंटे पूरा देश उनका प्रोग्राम जानता है। और फिर देशभक्ति की बात, दिन भर देशभक्ति की बात। और इस वक्त एक और सियासी बड़ी खबर दे रहे हैं चंद्रमोहन कुमार। बिहार में कांग्रेस को लेकर महागठबंधन की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। चंद्रमोहन, किस तरह की नाराजगी सामने आ रही है? चंद्रमोहन, कांग्रेस से किस तरह की नाराजगी सामने आ रही है बिहार में?
बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो सीटों का बंटवारा का पेच है वो अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कल यह दावा किया गया था कि 11 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी, और जैसे ही यह बात सामने आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी की नाराजगी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह कहा है कि 1-2 सीटों के उलझन में फंसने की जरूरत नहीं है और इसको लेकर हट छोड़ना चाहिए। तो यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो महागठबंधन में है और सीटों के बंटवारे को लेकर इसमें अभी भी पेच फंसा हुआ है। और ये भी एक अभी बात सामने आई है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई थी कि 17 तारीख को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो हो सकता है कि टल जाए, क्योंकि सीटों का उलझन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक यह ऐलान नहीं होगा। तो अब एक नया रास्ता भी हो सकता है कि खुले, क्योंकि कांग्रेस को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 8 से 9 सीट ज्यादा दिया जा सकता है और उससे अधिक आरजेडी को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जो महागठबंधन के अन्य जो घटक दल हैं वो भी कहीं ना कहीं 2 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो चंद्रमोहन, इससे पहले कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो, ये गठबंधन ही खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया है, कांग्रेस को नसीहत दिए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए, संविधान और देश पर अभूतपूर्व संकट है, अगर अब की बार विपक्ष से कोई रणनीतिक चूक हुई तो फिर देश में आम चुनाव होंगे या नहीं कोई नहीं जानता, अगर अपनी चंद सीटें बढ़ाने और सहयोगियों की घटाने के लिए अहंकार नहीं छोड़ा तो संविधान में आस्था रखने वाले न्यायप्रिय देशवासी माफ नहीं करेंगे,